नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्यों की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। राजस्थान कर्मवीर अवार्ड 2024 के बैनर का हुआ विमोचन। सारथी यूथ फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र गहलोत ने बताया कि आगामी 12 मई रविवार को जोधपुर की पावन धरा पर राजस्थान कर्मवीर अवार्ड 2024 के बैनर का विमोचन आज गीता भवन में किया गया। गहलोत ने बताया कि जोधपुर की पावन धरा पर समाज सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 121 भाई बहनों का राजस्थान कर्मवीर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा। फाउंडेशन जिलाध्यक्ष पूजा सुराणा ने बताया कि इस भव्य सम्मान समारोह में चिकित्सा सेवा, शिक्षा, रक्तदान शिविर, गौ सेवा, वन्य जीव, पर्यावरण संरक्षण, कला, साहित्य लेखन, बालिका उत्थान, पत्रकारिता आदि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले भाई बहनों का भव्य सम्मान किया जाएगा। यह आयोजन 12 मई रविवार को प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक स्वास्थ्य साधना केंद्र लालपुलिया कमला नहर नेहरू नगर चौपासरी रोड में आयोजित होगा। इस दौरान आज बैनर विमोचन में कविता जैन, एस के पुरोहित, लखपत परिहार, संपत राव चौहान, भानु प्रताप खावा, सुनील चारण आदि लोग मौजूद रहे। मैं बताना चाहती हूँ कि जोधपुर की पावन धरा पर 12 मई को आने वाले रविवार के दिन हम लोगों ने मातृशक्ति के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके पास में ना दुर्गा के रूप ले सकती है, काली का रूप ले सकती है। ये महिलाएं हर क्षेत्र में अपना योगदान देती हैं, घर के साथ साथ बाहर का भी वो अपना पूरा कार्यभार बहुत ही निष्ठा के साथ में बहुत अच्छे से निभा पाती है। इसीलिए हम आने वाले रविवार के दिन अधिक से अधिक महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन मदर्स डे भी है और प्लस नर्सेस डे भी है और जोधपुर का स्थापना दिवस भी है। तो इन सबके उपलक्ष में आने वाले रविवार के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का सम्मान करेंगे, ताकि और भी महिला उनको देख करके प्रेरित हो और अपना योगदान समाज के अंदर पूरा पूरा करें। और मैं चाहूँगी कि हर रविवार को हम लोग भी रविवार सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, करते हैं, तो उसमें भी हमारी महिलाओं की संख्या अधिक रहती है। तो मैं चाहूंगी कि हर महिला इससे जुड़े, घर के बहुत व्यस्तता वाली जिंदगी रहती है लेडीज के लिए, बट उसमें से अपना 1 घंटा निकाल करके सेवा में लगाएंगी, उससे उन लोगों का भी मन में हल्कापन महसूस होगा, एक अच्छा फील होता है। मैं रविवार को हमेशा जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे साथ जो लेडीज आती हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अधिक से अधिक संख्या में इसमें जुड़िए हमारे इस मुहिम में, और हमारा तो एक ही लक्ष्य है क्योंकि सेवा ही हमारा धर्म है। थैंक यू सो मच। जय बालाजी की। 12 मई आने वाले रविवार को जोधपुर की पावन धरा पर राजस्थान कर्मवीर अवार्ड 2024 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान की समाज सेवा के अंदर उल्लेखनीय कार्य करने वाले 121 प्रतिभा माताओं, बहनों, भाइयों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने चिकित्सा सेवा, शिक्षा, कला, साहित्य, समाज सेवा, गौ सेवा, वानर सेवा, रक्तदान शिविर, अन्य समाज सेवा के अंदर उल्लेखनीय कार्य करने वालों के अंदर सबको सम्मानित किया जाएगा। 12 मई को नर्सेस दिवस भी है। इसके अंदर मातृशक्ति को अधिक से अधिक चिकित्सा सेवा के अंदर जो अपना काम करते हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। और मदर्स डे भी इसके लिए इस आयोजन के अंदर मातृशक्ति और नारी शक्ति का सबसे ज़्यादा हमने योगदान रखा है और सबसे ज़्यादा उनकी संख्या रखी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस आयोजन के अंदर अधिक से अधिक संख्या में पधारें और जो भी 121 सेवाभावी लोगों का सम्मान होने जा रहा है भव्य, उनका हौसला अफजाई करें, जो मत आने वाले समय के अंदर अपना और उचित समाज के लिए योगदान दें और सेवा कार्य कर सके। आपका परिचय? देवेंद्र गहलोत, सारथी फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष।